दर्शकों आदाब नमस्ते, मैं हूं कैसर रजा हुसैनी। सदाकत न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। दर्शकों आइए चलते हैं एक सनसनीखेज खबर की तरफ। 14 साल की गायब लड़की को मुमरा पुलिस ने किया बरामद। दर्शकों रक्षाबंधन के दिन एक 14 साल की लड़की अचानक गायब हो गई थी। लड़की के बाप बम्बई में रिक्शा चलाते हैं। जब उनको पता चला तो वो बम्बई से आए और तलाश करने लगे। जब कहीं नहीं मिली तो दूसरे दिन बिंटी नाम की एक लड़की से पता चला कि राहुल राम नामी लड़का उसे भगा ले गया है। उसके बाद माँ बाप पुलिस स्टेशन गए और उसके खिलाफ़ FIR दर्ज कराई। फौरन पुलिस हरकत में आई और पुलिस की एक टीम ढूंढने निकल गई। दूसरी तरफ लड़का जहां रुका था, बुद्धि नामी औरत का कहना है कि राहुल राम रक्षाबंधन के दिन आया था और उसी दिन चला गया, जबकि उससे पहले हमारे यहां 6 महीने रहकर बिहार चला गया था। उधर पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पूना से लड़का लड़की दोनों को बरामद कर लिया है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। आइए सुनते हैं लड़की के माँ बाप का क्या कहना है। आपकी जो लड़की का मैटर हुआ था, इसमें आपकी लड़की कहाँ से बरामद हुई और कौन कौन लोगों ने इसमें सहयोग किया? भाई हमारी लड़की गायब होने के दूसरे दिन हमारे नगर सेवक सानू भाई पठान के पास गए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे और भाई ने उसी दिन से पूरा छानबीन करने के लिए अपने लोगों को लगाए, पुलिस स्टेशन में सारी कार्रवाई करवाए और उन्होंने 2 दिन मेरे साथ में लगे हुए थे और उनकी बेटी भी मेरे साथ में रात को 10-10, 11-11 बजे तक पुलिस स्टेशन में हमारा साथ दिए और बहुत ही कोशिश करके उन्होंने पता निकाले। वो लड़की हमारी पुणे में थी, फिर उन्होंने खुद अपनी गाड़ी और पुलिस की मदद से वहाँ पे भेजा गया और उन्होंने कल रात में 9-9:30 बजे मुमरा पुलिस स्टेशन में हाजिर कराए। हमारे सानू भाई पठान ने बहुत हमारी मदद करे, उनके घर वालों ने, उनके जितने भी सहयोगी लोग हैं सारे लोगों ने हमारी बहुत मदद करे। उनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह उनको बहुत अच्छा रखे। ऐसे नगर सेवक की हमको ज़रूरत है। जो भाई ने हमारे दिल से बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने बहुत मदद करे, सही सलामत हमारी लड़की को ला के हमारे हवाले किया। जी भाई लड़की हमारी पूना से बरामद हुई है, जो लड़के के साथ में थी और लड़के के साथ में उनको पुलिस स्टेशन में हाजिर करवाए हैं। भाई कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं कि लड़की को जो है मतलब प्रताड़ना किया जा रहा था, उसको डरा धमका जा रहा था, ऐसा तो मामला नहीं है ना? ऐसा मामला नहीं है भाई, डराने धमकाने का, वो लड़के के सहयोग से लड़के के साथ में गई थी भाई और लड़के के साथ में अभी भाई ने हाजिर कराए हैं मुमरा पुलिस स्टेशन में। लड़का पुलिस हिरासत में है, लड़की भी अभी पुलिस से कल मेरे हाथ में दिलाए हैं और अभी आगे का कुछ प्रोसीजर बचा है जो चल रहा है भाई, लेकिन लड़की सही सलामत मेरे हाथ में आ गई है। यह हमारे भाई सानू भाई पठान का और उनके घर वालों का, उनके सारे सहयोगियों का बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो भाई नहीं होते थे ये काम मेरे से नहीं हो पाता था। पुलिस की टीम भी गई थी, पुलिस की टीम भी भाई के साथ में गई, भाई के गाड़ी के साथ में उनके जो लोग थे उनके साथ में गई थी और उनके सहयोग से ही मेरा काम हुआ है भाई।